What to do if you have no friends at all? Semester जल्दी मुको जब तक आप समझते नहीं है ना तो आपको तब तक वो याद नहीं होगा. It depends on you. लोगों से vibes आपकी match नहीं कर रही होती और क्या कर सकते हैं, practice ही कर सकते हैं इसकी. हम क्या विराम क्या अजीब जगह है. तो ऐसी degree में admission लेना था, कहाँ family में फंस गई. और Assalamualaikum, I am Mehak and welcome to my channel. जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ी लिया है, I'll be answering questions related to university life. मैं फार्मडी कर रही हूँ. I'm a second year pharmacy student. Wow. So before I start, let's make some coffee. जो कि मुझे पता है जहरीली बननी है, but let's make it. So ये वाली कॉफी, do not buy this one. इसका जो ना फ्लेवर स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसको अच्छा बनाया जा सकता है अगर आप इसमें कैरमल सॉस डालें. विदाउट कैरमल सॉस की कॉफी है, लेकिन इसका ना वो इंटेंसिटी नहीं है, वो वाला मजा नहीं जो दिमाग को हिट होता है जाके, इफ यू नो व्हाट आई मीन. इसमें कॉफी है, चीनी है, आई हैव टू फाइंड द बीटर. छोटी हूँ मैं, ऊपर से मुंह ही जाता मेरा. इधर भी नहीं है, नुकसान. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, यूसीपी अपने माहौल के लिए काफी बदलाव है, प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू दें अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है. इसकी बात नहीं, इतने यूसीपी जाने की वजह से बातें करते रहते हैं. ये मैंने वीडियो में डाल देना, डाल दो मुझसे. लोग सजेते हैं जैसे कहते हैं. क्लासरूम के हिसाब से क्लासरूम का माहौल इज ग्रेट, ठीक है. पढ़ाई वाला माहौल गुड है. जब आप बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, जब आप एम्फी थिएटर या बाकी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर आपको माहौल थोड़ा थोड़ा खराब जो ना मिलेगा. लेकिन ये है कि वो फिर ऑब्वियसली फ्रेंडशिप्स, फ्रेंड्स और ये सारा, ये तब सब हर जगह ही चलता है ये सब. लेकिन वो अलग बात है, मैंने सुना कि UMT में वो इकट्ठे बैठने नहीं देते, और इस तरह मेरी क्लास में भी इकट्ठा किसी को नहीं बैठने देते, ठीक है. मतलब मेरे डिपार्टमेंट में अगर कोई बैठता भी है तो उसको मना भी करते हैं. तो अगर आप इस हिसाब से माहौल गंदे की बात कर रहे हैं, तो पार्टी में मतलब क्लासरूम तक तो माहौल गंदा नहीं है, बाहर निकले तो माहौल थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है. लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह के हैं, आपका मतलब अब माहौल को तो नहीं ना बदल सकते, अपने आप को तो बदल सकते हैं. जिसने अब कोई बच्चा जो है, जिसने बिगड़ना है उसने यहाँ जाकर बिगड़ जाना है, ठीक है. और अगर किसी ने नहीं बिगड़ना, उसको पता है कि यू नो वो यहाँ पे क्या करने आया, उसका क्या लाइक मकसद है. तो वो थोड़ी जो है ना बाउंड्रीज सेट करेगा कि जो है अच्छा, गंदे माहौल में जो है खुद गंदा नहीं बनना, ठीक है. आई होप दैट हेल्प्स. इफ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन, और अगर आपको लाइक सही लगता है ना, घर के पास है, इस तरह के साथ, तो टेक एडमिशन. आई एम टेकिंग रुमान चुप. I am taking admission in UCP PharmD. Which subject should I focus the most to maintain GPA in first semester? अगर तो GPA मेंटेन करना है, तो GPA मेंटेन करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ता है. और फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके वो 11 हो गए, ठीक है. मतलब 6 सब्जेक्ट्स, 5 लैब्स, सब पे फोकस करना पड़ेगा. स्पेशली उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा जिनका क्रेडिट आवर्स ज़्यादा होता है, ठीक है. टेल अस समथिंग अबाउट यूनिवर्सिटी टीचर्स. इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी. मुझे ले लें, ठीक है. मैं एक बबल में, मेरा मतलब बबल में हूँ, ठीक है. मतलब जो मुझे बस इतने छोटे से बबल में नज़र आ रहा है, मैं उसी के बेस पे जज करने लग जाऊँगी. लेकिन फिर जब मुझे अपने दूसरे डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स से पता चलता है कि अच्छा टीचर्स का ये हिसाब भी होता है, अच्छा ये भी होता है, तो मैं कहती हूँ ये भी होते हैं. कुछ टीचर्स होते हैं जो कि आपको बहुत ही टफ टाइम देंगे, और कुछ होते हैं जो कि कहते हैं कि सेमेस्टर जल्दी मुकाओ. ये कि टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है, बना के रखें टीचर्स के साथ. लेकिन आई डोंट नो ये टीचर्स के साथ बनाने वाली क्या बात होती है. बना के रखने का बस रिस्पेक्ट देम, ठीक है. आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है. और ये है कि बस पढ़ाई करें, क्योंकि जो आई थिंक जो पेपर में लिखा हुआ है ना आपके आपके उन्होंने उस हिसाब से आपको नंबर देने हैं. तो Respect your teachers and study hard. Is PharmD really difficult? It is difficult. अभी तो मैं दूसरे साल में, दूसरा साल एंड होने वाला है, ठीक है. तो टिल नाउ मुश्किल है. वो साइकोलॉजी पढ़ी, मेरी बहन साइकोलॉजी कर रही है, ठीक है. तो उसका ये है कि हफ्ते में 3 दिन जाना है, और उसका इतना काम होता ही नहीं. मैं घर में पढ़ रही होती हूँ, अच्छा क्विज है, ये है, वो है, वो आराम से लेटी फ़ोन चला रही होती, गाने सुन रही होती है, बस पेपर से पहले पढ़ेगी बस. कुछ ऐसी डिग्रीज भी हैं, नॉट टारगेटिंग साइकोलॉजी, जो कि बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू PharmD ऑब्वियसली, क्योंकि PharmD इज ऑल रिलेटेड टू केमिस्ट्री एंड द फॉर्मुलेशंस एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है. वट टू डू इफ़ यू हैव नो फ्रेंड्स एट ऑल इन यूनिवर्सिटी. पहली सजेशन यही होगी कि मेक फ्रेंड्स, ठीक है. अगर तो आप इंट्रोवर्ट हैं लाइक मी,
मतलब कि ना बात स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाती है. फॉर एग्जांपल इफ यू, एक तो ना लोगों से वाइब्स आपकी मैच नहीं कर रही होती, बड़ा मसला होता है कि कोई आपको बहुत ही पेंडू लगेगा, कोई बहुत ही लाइक आउट ऑफ लीग लगेगा, कोई बहुत ही अजीब लगेगा. अब आपको मतलब ना वाइब्स ही नहीं मैच हो रही होती, एक तो मसला ये बहुत बड़ा है. ये कि अगर वो वाइब्स मैच हो भी जाती है फिर आप कहते हैं कि अब मैं क्या बात करूँ, मैं इधर बैठी हूँ, जिसको मेरा फ्रेंड होना वो एंड वाली साइड पर बैठी हुई है. ये बहुत इश्यूज है. खैर ये है कि आप इन्वॉल्व हो कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व हो, कन्वर्सेशंस खुद करें, बात खुद स्टार्ट करें, जो कि बहुत मुश्किल काम है, करने को हो भी जाता है. आप सोसाइटीज़ वगैरह को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप कुछ फ्रेंड्स वगैरह बना लें. कोशिश करें कि ठीक है फ्रेंड्स बनाने की, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ ऐसा है, बट टाइम जो यूनिवर्सिटी वाला टाइम है ना आपका, वो बहुत अच्छा गुजरेगा. यूनिवर्सिटी में जो टाइम है आपका वो बहुत ही ईजी गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा, हाँ ही में गुजरेगा, पढ़ाई में भी गुजरेगा. ऑब्वियसली पढ़ना भी तो है ना साथ साथ, ही हाँ हा थोड़ी करना है. और अगर किसी तरह भी कोई फ्रेंड या अपने सारे तरीके आजमा लिए, कोई भी फ्रेंड नहीं बन रहा, तो वैन यू सी कि कोई और चारा ही नहीं है, तो खैर है, कोई मसला नहीं. लाइक मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो कोई भी फ्रेंड नहीं है क्लास में या बाहर, और इस तरह तो ज़ाहिर अब फ्रेंड्स वगैरह बनने तो नहीं लगे, ठीक है ना. यू स्टिल हैव योर सेल्फ, यू स्टिल हैव यू, यू कैन इन्जॉय योर कंपनी इन अ सेंस के यूनिवर्सिटी गए हैं, ठीक है. नॉर्मली लाइक कन्वर्सेशन तो वही जाती है, किसी चीज़ के बारे में आप डिस्कस वगैरह कर रहे हैं. जब फ्री टाइम मिले लाइब्रेरी जाके पढ़ लें, कुछ पढ़ लें अपना, या कुछ लंच अपना कुछ कैफे वगैरह से कुछ खा लें, कि अपने आप को ना इंगेज रखें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. कोई इवेंट आ रहा है डिफरेंट सोसाइटीज़ को ज्वाइन करके, क्योंकि कोई इवेंट आ रहा था आप उसकी मैनेजमेंट में चले गए, बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है लाइक एज कम्पेयर टू फ्रेंड्स, बट खैर कोई मसला नहीं. हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में. तो ऑर्गेनिक फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना डिपेंड्स कि आपको टीचर कौन सा मिलता है. जो हमें टीचर मिली थी ना उन्होंने मतलब कि ना कितना इजी समझाती थी, मतलब जो चीज़ें हमें मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो कॉन्सेप्ट नहीं ना समझा हुआ हमने, वो अब आगे समझ आया कि अच्छा ये तो ऐसे था. मैं सोचती हूँ शायद मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में सोती रहती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं होता था. अच्छा मुझे तो अमीर तो आँखें ही अब खुली हैं तो. और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना तो स्टॉप योर टीचर राइट देयर और उनसे दोबारा से समझ लें, क्योंकि जैसे वो चीज़ जैसे वो बता रहे होते हैं ना, वो आपको दोबारा बाद में अपने किसी फ्रेंड से या तो समझ आ जाती है. अभी कभी कभी आप कभी कभार आपको अपने फ्रेंड से भी समझ नहीं आता, कभी कभार वैसा ही तरीका आपको यूट्यूब से भी नहीं मिलता. तो बेहतर है कि आप उनको ज़रा दो मिनट रोक के कह दें काइंडली प्लीज़ दोबारा बता दें, तो आपको दोबारा बता देंगे. अगर नहीं बताते तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप यूट्यूब पर ही देख लें. नो ये बाद में बाकी सेमेस्टर्स में है कि नहीं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में भी है, फर्स्ट में भी है. और सेकंड में जो है वो बहुत ज़्यादा इक्वेशंस हैं और स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूजिंग है, कि वो इतनी चीज़ें दिमाग में होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाती है. लेकिन ये क्या प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब और क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस ही कर सकते हैं इसकी. नए साल UCB में एडमिशन लेना है और इसके लिए MD CAT रिक्वायर्ड है कि नहीं, प्लीज़ गाइड मी. MD CAT सिर्फ MBBS और BDS के लिए रिक्वायर्ड हो, एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं. सो एडमिशंस का ये होता है कि फार्म डी का एडमिशन जो है वो साल में सिर्फ एक दफ़ा ही होता है. ये होता है, ये मतलब ये जो फॉल सेमेस्टर है ना उसके लिए ओपन होता है. आई गेस जुलाई में ओपन हो जाते हैं. क्या फार्म डी स्ट्रेसफुल है? स्ट्रेसफुल मतलब कि जिसने 3 GPA 2.9 इस तरह GPA लेना उसके लिए कोई स्ट्रेसफुल नहीं है, ठीक है. जिसने 3.94 इस तरह स्कोर करना ना GPA स्ट्रेसफुल उसके लिए. इट डिपेंड्स ऑन यू, वट आर योर गोल्स. क्या UCP में एडमिशन लेना आपका सही डिसीजन था? मैं 2020 में, मैं आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैंने गैप ईयर लिया था, ठीक है. तो 2020 में मैं UCP गई थी फॉर्म डी के लिए एडमिशन करवाने. मैंने बस वो चलान भी आ गया था, फीस जमा करवानी थी सेमेस्टर की पहली फीस, तो तब मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा नहीं 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 मैंने नहीं जाना, ये नहीं सही मैंने नहीं जाना. प्लान मेरा यही था, ठीक है, या किसी मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल जैसे कि LMDC वगैरह, वहाँ पर एडमिशन लेना है, यहाँ नहीं जाना बस. तो अगले साल फास्ट फॉरवर्ड, अगला साल मेरा वही एडमिशन हो गया UCP में. टिल नाउ अगर मेरी फ्रेंड है वो LMD से जाती है, तो जब मैं उससे, वो भी फार्म डी ही कर रही है वहाँ से, तो जब मैं उससे पूछती हूँ ना कि उसके कैसे हालात जा रहे हैं वहाँ पे और उसकी यूनिवर्सिटी में क्या हिसाब है, वो असल में उसका एनुअल सिस्टम है कि साल बाद पेपर होते हैं, और हमारा ये सेमेस्टर है, तो जितना पढ़ा है उसके पेपर हो गए खत्म, जितना पढ़ा उसके पेपर हो गए खत्म, इस तरह चलते हैं. तो आई गेस सेमेस्टर सिस्टम इज़ गुड, ठीक है. और ऊपर से ये है कि एनुअल सिस्टम तो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, और उसमें इतनी चीज़ें हैं, इतना पूरे साल में एक सेमेस्टर का सिलेबस इतना ज़्यादा लगता है ना, कि मैं सोचती हूँ पूरे साल का वो किस तरह कवर करती हूँ. और LMDC में बाकी वो स्ट्रिक्टनेस वगैरह को भी बताती है कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है भाई, मैं सही यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ. हैरी पॉटर फेस्टिवल भी GC गई, तो जब मैंने GC का अंदर से देखा, वैसे GC मतलब अच्छी है. मेरी यूनिवर्सिटी में यह कि बहुत ना मतलब इतनी बड़ी नहीं है, जैसे कि बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें ग्राउंड्स वगैरह हो और बहुत ही कोई स्पेशियस हो. काफ़ी रौनक वाला माहौल होता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लोग हैं. तो जब मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में गई जहाँ पे ज़रा खाली माहौल होता है, तो फिर मुझे तो थोड़ा हुआ कि क्या सुनसान, क्या वीरान, क्या अजीब जगह. मैं तो शुक्र है यहाँ नहीं गई, मैं शुक्र है मैं जहाँ पढ़ी मैं ठीक हूँ.
तो मैं जहाँ पढ़ी मैं ठीक हूँ वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह. ओके आई एम ऑल्सो अ फार्मेसी स्टूडेंट सेकेंड ईयर. प्लीज हेल्प मी दैट हाउ यू स्टडी फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी. ये कॉलोजी को जब तक आप समझते नहीं हो ना कि क्या रिसेप्टर्स की बात हो रही है, रिसेप्टर पे कौन सी ड्रग बाइंड करेगी और उसका क्या इफेक्ट होगा, रिसेप्टर के नेचर है ड्रग उसका क्या सीन है, ठीक है, तो तब तक आपको ना वो याद नहीं होने वाला. जब तक आप समझते नहीं है ना तो आपको तब तक वो याद नहीं होगा. सो इट्स बेटर कि आप समझ लें और बाद में उसको याद करें, क्योंकि रट्टा इसमें जो है ना नहीं चलता. एंड सेकंड इज फार्माकोग्नोसी. फार्माकोग्नोसी इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स. ये सिर्फ मतलब समझने वाली चीज़ इतनी खास नहीं है, ये बस ये कि याद रखने वाली चीज़ है. तो फार्माकोग्नोसी को रट्टा लगाया जाए और कॉलोजी को समझा जाए. टेल मी अबाउट मैस कम्युनिकेशन. मैस कम्युनिकेशन के बच्चों को उनके असाइनमेंट नहीं लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं ना कि आपने वो रिकॉर्ड करना है टॉक शोज टाइप. वो यूसीबी में काफ़ी सेट रहा ना, क्या है वो जगह, उसको क्या कहते हैं, स्टूडियो पूरा नाम उसका सही वाला नाम क्या है. तो आपने अगर यूसीबी टूर्स वगैरह में वीडियोस में देखा हो तो एक फुल एक स्टूडियो बना हुआ है जहाँ पे वो मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चों को उनकी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे वो रिकॉर्ड करते हैं. क्या ही बात है, मैंने तो ऐसी डिग्री में एडमिशन लेना था, कहाँ फैमिली में फंस गई हूँ. और तो मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं तुम क्या फैमिली में चली गई, तुम मैथ्स कम्युनिकेशन में जाती, लेकिन बस कुछ मुश्किल करना है. मैंने सुबह उठ के रोज़ सर्दियों में गर्मियों में जाना है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग दैट इज़ डिफिकल्ट दैट इज़ चैलेंजिंग. और करना तो मैंने MBBS था, बट आई एम फाइन विथ फार्मडी नाउ. क्या फार्मडी में बस फार्मूलाज और हॉरिबल इक्वेशन ही होती हैं? या मार्क स्टडी भी हम पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, स्टैट्स भी है इस दफ़ा, तो इंग्लिश भी होती है. सो इतनी भी हॉरिबल नहीं है सो फार. I mean it is horrible. नहीं झूठी बोलूँगी, it is horrible. So yeah, I hope you guys like this video. I hope you guys enjoyed. बैठ कर एडिट करती हूँ. हाँ हाँ साथ साथ मैंने कॉफी सारी खत्म कर ली वैसे. I'll see you guys in my next video. Allah Hafiz.